आपका बेटा आपका पति हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। आप कितना सोच रही हो, कल अथर्व का पहला दिन है ना कॉलेज का, उसने वो लिस्ट दी थी, उसका क्या हुआ? लिस्ट दी थी ना, मैंने यही रखी थी, नहीं यहाँ रखी थी, नहीं कहाँ रखी थी। काम डाउन, कैसे काम डाउन करूं सखी, मुझे ना टेंशन हो रही है ऐसे अंदर से ना, मन में दुख ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली, कुछ गलत होने वाला और कुछ गलत हो गया तो। मम्मा प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। जल्दी आ ब्रो, जल्दी आ। ओ तेरा तो आज बर्थडे भी नहीं है, इतने सारे गिफ्ट क्यों आए? ब्रो कॉलेज के फर्स्ट डे का माहौल है, पता है मेरे पापा ने ना मेरे रिलेटिव्स को एक महीने पहले से बोल के रखा था, कल से इतने सारे गिफ्ट आ रहे हैं कि तू पूछ मत। ओ अरे वाह, ये तो हैंडमेड है। अरे ये देख एक और गिफ्ट। ब्रो तेरे को पता है मेरा ना सबसे कूलेस्ट गिफ्ट क्या है? ये देख, ये देवा कूल। ब्रो ये सनग्लासेस ना मेरे दिल्ली वाले मामा ने भेजी है, और ये देख ये साइकिल ना मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले मामा ने वहां से भेजी है, जल्दी आएगी और दोनों मिलकर चलाएंगे। देवा तेरे घर पे तो कॉलेज का फर्स्ट डे एकदम फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है, और मेरे घर पे सरप्राइज छोड़, मैंने एक हफ्ते पहले ना उन्हें एक लिस्ट दी थी, उसमें से एक भी चीज उन्होंने अभी तक खरीदी नहीं होगी, आई बेट यू। अरे ब्रो तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। अरे ऐसा नहीं होता ब्रो, देख कॉलेज की फर्स्ट दिन जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वही लास्ट इंप्रेशन होता है, और वो फर्स्ट इंप्रेशन पुरानी चीजों से नहीं होती है, नई चीजें चाहिए होती है। अरे भाई तू ना मेरी जैकेट पहन लेना, मेरे पास ऐसे भी तीन पड़ी है। अरे नहीं ब्रो, जो घर वाले देते है ना वो अपना होता है, उसका मजा ही कुछ और है। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो 24,000 के जूते दे दे तो भी बहुत है। ब्रो तू नेगेटिव मत सोच, क्या पता तू यहाँ पर मुझसे बात कर रहा है और घर पे तेरे गिफ्ट का इंतजाम हो रहा हो। तो बच्चों जो दिन हम कभी नहीं भूल सकते वो अब अथर्वा की दुनिया में आ ही गया। हम में से कोई भी हमारे कॉलेज का पहला मनहूस दिन भूल ही नहीं सकता। ओ, कॉलेज के पहला दिन, पहला लेक्चर, पूरी क्लास ने मेरी आरती उतारी थी। आज भी उस खूबसूरत लड़की ने कहा हुआ आई लव यू मुझे सुनाई देता है। आई लव यू राजू। कॉलेज के पहले दिन मुझको मुर्गा बनाया था, मुर्गा। कल अथर्व का पहला दिन है और ऐसा कुछ उसके साथ भी होगा, और हमें वो होने से रोकना होगा क्योंकि जमाना बदल गया है। हमारे साथ जो भी हुआ वो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं हुआ, लेकिन आज वो हो सकता है। अथर्व वो सह नहीं पाएगा। अगर अथर्व कल कॉलेज जाए ही नहीं तो परसों अथर्व का कॉलेज का पहला दिन होगा। मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक सलूशन है। क्या? देख मैं तुझे बोलूंगी फिर तू सबको बोलेगा। अरे दीदी प्लीज बताओ ना, मैं किसी को नहीं बोलूंगा प्लीज। वेल तुझे सरप्राइज देने के लिए प्लान पक रहा है। हाँ क्या बात कर रहे हो। अच्छा गिफ्ट क्या है? सरप्राइज है। अरे दीदी सरप्राइज है पर क्या है ये तो बताओ। सरप्राइज जाने की मैंने भी बहुत कोशिश की पर जानकर मैं खुद सरप्राइज हो गई, क्योंकि तुझे सरप्राइज देने के चक्कर में वो इतने सरप्राइज हो गए कि उन्हें भी पता है कि ये सरप्राइज। अरे दीदी प्लीज सस्पेंस और सरप्राइज मत करो मुझे, प्लीज बताओ ना। तुझे पता है कि मैं तुझसे कुछ छुपा नहीं सकती, बट यू नो व्हाट, उन्हें भी पता है कि मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। तो बताओगे कैसे? वही तो, और बताकर मुझे भी क्या फायदा। अरे दीदी
आपको क्या चाहिए प्लीज बताओ ना मुझे, प्लीज बताओ सरप्राइज प्लीज। बट मैंने उन्हें वचन दिया है कि इस कान की खबर इस कान को नहीं होगी। अरे पर आप कान से थोड़ी बोलने वाले हो, मुंह से बोलोगे ना, प्लीज बताओ ना प्लीज। नो 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 नो, ये नमक हराम होगा। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, दम शराज आप बताओगे भी और नहीं भी बताओगे, ऐसा होगा। वेल ठीक है ओके। मेरा कॉलेज, हाँ कॉलेज का फर्स्ट डे, ओके गेट पर अंदर जाऊंगा, पीछे देखूंगा, पूरा परिवार मुझे ढूंढने आएगा कॉलेज के गेट पे पहले दिन। You're so lucky. दीदी प्लीज, मैं लकी नहीं हूँ, ये बुरा सपना है मेरे लिए। मैंने कुछ नहीं बताया। हाँ अरे पर अगर ये बात सच हुई ना तो फिर पूरा साल मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते रहेंगे। क्या? जो मुझे पूरे साउंड पूरे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दिखाई दे रहा है। अब मुझे कॉलेज में बस एंट्री करनी। Yeah! All the best! All the best! All the best! अरे आई संभाल ना। भाई तू संभाल, क्या कर रहा है? चल, चल। तूने काम कर, तूने अपने शूज पैरों से उतार के हाथ में पहन ले। अरे मैं कब से देख रहा हूँ ब्रो, इतना ध्यान ना तो अपने फुटबॉल शूज का भी नहीं रखता है। नहीं नो यार, अरे बट ब्रो, जिस मूवी का ट्रेलर हम 9th क्लास से देख रहे हैं वो मूवी हमारे सामने है, हमारा कॉलेज ब्रो। राज राज क्या हुआ है, कुछ बोलोगे? नाखून चबाना बंद करो, किस बात का स्ट्रेस ले रहे हो? कॉलेज का पहला मनहूस दिन। क्या वागले मर्द जो है ना, मतलब मैं, मनोज दादा, पापा, हम तीनों की लाइफ का पहला दिन कॉलेज का ये मनहूस दिन था। क्यों, क्या हुआ, क्या था? मैं, अच्छा छोड़ो, मैं नाखून नहीं खाता। क्या है, मैं जब आई लव यू राजू कॉलेज गया, ओके मेरे कॉलेज का पहला दिन, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे करीब आती है और मेरे कानों में कहती है आई लव यू राज। हेलो, कब हुआ था ये? हाँ? कौन थी वो? हाँ बताया क्यों नहीं, पहले बताना चाहिए था ना। अरे हाँ, तुमने क्या कहा? अरे अरे, अरे एक मिनट, मैं कुछ कहूँ उससे पहले वो चली गई, फिर वापिस कहीं से आई आई लव यू राज, वापिस चली गई, वापिस कहीं से आई लव यू राज, वापिस चली गई, फिर आई आई लव यू राज, फिर हाँ, फिर मैं तो मतलब राज से राहुल बन गया, मतलब शाम तक मैं तो शाहरुख खान बन गया था। बाद में मुझे पता चला कि वो लड़की बाकी सीनियर लड़कों के साथ मिलकर मेरी टांग खींच रही थी, मेरे साथ प्रैंक कर रही थी, और उसके बाद में कॉलेज में मेरा नाम पड़ गया था कि ए, एक दिन का चॉकलेट हीरो। Serves you right. यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। पापा के साथ क्या हुआ? हाँ, पापा के साथ, पापा का पहला दिन कॉलेज का, लेक्चर चल रहा है, पापा सो गए, मतलब गहरी नींद, तो प्रोफेसर की नजर पड़ी, तो प्रोफेसर ने बाकी सब लड़कों को इकट्ठा किया और कहा कि पापा की आरती उतारो, तो पापा के सामने आरती उतारने लगे। अरे रे रे। पापा सो रहे, अरे आरती गा रहे गा रहे गा रहे, पापा की आंख खुली, पापा ने देखा आरती, तो उन्होंने आरती ली पहले तो ऐसे और खुद आरती गाने लग गए। तो प्रोफेसर ने कहा ओ श्रीनिवास, ये तुम्हारी आरती उतारी जा रही है, तुम्हारी, तुम क्या आरती गा रहे हो? तो तब से पापा का नाम पड़ गया कुंभकर्ण। बेचारे। तो ये पापा का फर्स्ट डे, मेरा फर्स्ट डे। मनोज दादा का फर्स्ट डे कॉलेज का, वो लेट हो रहा था तो ट्रेन से कूद कर विदाउट टिकट रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वाला था, उतने में सामने से एक हवलदार ने ऐसे हाथ दिया कि अरे आइए आइए भाई साहब, तो दादा ने ऐसे हाथ दिया और ऊपर आ गया। टिकट है? नहीं है, रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे ना, चलिए अभी पुलिस स्टेशन चली। तो दादा गिड़गिड़ा कि अरे अरे सर, मैं वो कॉलेज का पहला दिन है ना तो लेट हो रहा था इसीलिए मैं, नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, अच्छा चलिए आपके प्रिंसिपल के पास। तो दादा को लेकर गया वो प्रिंसिपल के ऑफिस में। प्रिंसिपल को जब ये पूरा वाकया पता चला तो प्रिंसिपल ने दादा को पूरे दिन
उनके ऑफिस के सामने मुर्गा बन गया और तब से दादा का नाम पड़ गया, रेलवे लाइन क्रॉस करने वाला मुर्गा। अरे बाप रे। तो बदकिस्मती से ये है हम तीनों के पहले दिन का अनुभव, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मनहूस दिन है। वागड़े मर्दों के कॉलेज का पहला दिन मतलब इज्जत का फालूदा, ऐसे तकदीर में लिखा है और इसीलिए हमको टेंशन है कि थरू के साथ क्या होगा। थरू के साथ ऐसा कुछ हुआ तो वो क्या करेंगे? अरे बाप रे। मम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा डैडी, इट्स अ सुपरस्टिशियस थिंग, ये बस एक कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस एक बार होता है सखी, मेरे साथ, दादा के साथ और पप्पा के साथ ऐसे तीन तीन बार नहीं होता है। ओके तो जब तीन तीन बार हुआ है तब 100% चौथी बार भी होगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि भैया कि भगवान प्लीज बाबा अथर्व का पहला दिन मेमोरेबल हो, ना कि हमारे जैसा मनहूस। खुशी है ना? अरे हाँ तुम तो खुशी हो, मुझे पहचाना? अरे मैं विद्युत। ब्रो ये खुशी थी हाँ, पर इसने मुझे पहचाना। हाँ ब्रो हाँ। अरे छोड़ ना, चल चल। सही है यार ब्रो, यहाँ पे सबके पास फोन के एकदम लेटेस्ट मॉडल्स है। न्यू एडमिशन FYJC। हाँ क्या हुआ? वही पुराना फोन ना, पहले शूज देखकर हैसियत पता चलती थी, अब फोन देखकर। पहले जाकर फोन चेंज कर, नहीं तो फोन के रिंग के साथ साथ आजू बाजू वालों के कमेंट्स भी बजेंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.